आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरो के काव्य खंड में संकलित निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं। कविता पढ़ने से पहले कवियत्री के जीवन परिचय को पढ़ते हैं। निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में झारखंड राज्य के दुमका क्षेत्र में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा। इनकी रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश। कवयित्री निर्मला पुतुल ने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। इनकी कविताओं का केंद्र बिंदु वे स्थितियां हैं जिनमें कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि और उसके अलावा शिक्षित समाज का व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता भी आदिवासी समाज पर ही आधारित है। यहाँ कवयित्री का संस्कृति प्रेम उभर कर आया है कि उन्हें अपना आदिवासी समाज कितना प्रिय है, अपनी संस्कृति से कितना लगाव है, परंतु वे दुखी हैं कि आज उनकी संस्कृति नगरीय संस्कृति से प्रभावित हो गई है और उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आइए कविता की व्याख्या करते हैं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडी पन। यहाँ पर नंगी होने का अर्थ है मर्यादाहीन होना, आबो हवा, जलवायु और वातावरण। हड़िया देसी शराब के लिए प्रयुक्त हुआ है। माटी मिट्टी और झारखंडीपन मतलब झारखंड क्षेत्र का जो पुट है वो दिखाई देना। अब यहाँ पर कवयित्री आदिवासी समाज के विस्थापन, पलायन के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं का बड़ा ही सटीक चित्रण करती हैं। अब कवयित्री क्या कहती हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं। यहाँ पर कवयित्री अपने आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहती है कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, नंगी होने से अभिप्राय है कि आज जो संथाली समाज है वो नगरीय संस्कृति, नगरीय अपसंस्कृति का प्रभाव उस पर दिखाई देने लग गया है। आज नगरीय जो फैशन है वो आदिवासी समाज में भी देखने को मिलता है। आज तन को ढकने की बजाय तन को दिखाने की ओर ज्यादा लोगों का झुकाव हो गया है। दूसरा, नंगी होने से यहाँ जो संथाल परगना की धरती है वो पूरी तरह से पेड़ पौधों से सजी हुई है। तो यहाँ पर जो कवयित्री है वो कहती है कि जो विकास की दौड़ में धरती से उसके पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उससे जो धरती का श्रृंगार है वो नष्ट हो रहा है। एक तरह से धरती का चीरहरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कवयित्री है वो कहती है कि आज हमें दुर्योधन ना बनकर कृष्ण बनने की जरूरत है जो इस धरती को नंगी होने से बचाए, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, यानी शहरी संस्कृति का दुष्प्रभाव आदिवासी समाज पर देखने को मिल रहा है उससे बचाएं यहाँ की जलवायु और यहाँ के वातावरण को। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। हड़िया यहाँ पर देसी शराब के लिए प्रयुक्त हुआ है। आज जो आदिवासी समाज है वह जो शराब के नशे की लत है वो उसे पड़ गई है। तो लेखिका कहती है कि पूरी बस्ती नशे में डूब जाए उससे पहले हमें अपनी बस्ती को बचाना है, नशे की लत से दूर
करना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडी पन। अब यहाँ पर जो कवयित्री है वो बताती है कि हमारे चेहरे पर संथाल परगने की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, यानी हमारा चेहरा देखकर यह संकेत मिलना चाहिए कि हम संथाल परगना की मिट्टी में पले और बढ़े हैं। और भाषा में झारखंडीपन, झारखंडीपन से अभिप्राय है अपनी जो आदिवासी समाज की भाषा है उसकी मौलिकता। यानी लेखिका यहाँ कहती है कि शहरी भाषा के बनावटीपन से अपनी भाषा को बचाना चाहिए, अपनी देसी भाषा का जो मीठापन है उसे बचा कर रखना होगा। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि जो कवयित्री है अपनी संस्कृति से उसका जो लगाव है वो अत्यधिक घना दिखाई दे रहा है, और कवयित्री को दुख है कि धीरे धीरे जो उसका आदिवासी समाज है वो भी शहरी संस्कृति की गिरफ्त में आता जा रहा है। लेकिन जो कवयित्री है वो आशावादी है और अभी भी लोगों को आह्वान करते हुए कहती है कि हम अपने इस आदिवासी समाज को, इस संथाल परगना की भूमि को, इसके पेड़ पौधों को, इसकी भाषा को आज भी बचाया जा सकता है। अगर इसके काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालें तो यहाँ तो संथाली भाषा से अनूदित है ये कविता, हिंदी में लिखी गई है, और नंगी होने के कई अर्थ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नंगी होना, अमर्यादित होना, या फिर धरती के श्रृंगार पेड़ पौधों को काट देना। भाषा प्रभामयी है और शहरी आबोहवा अब संस्कृति का प्रतीक है, यानी प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, और उर्दू मिश्रित खड़ी बोली है। आगे पढ़ते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। ठंडी होती से हमारा अभिप्राय है ठहराव या शिथिलता, गर्माहट मन का जोश या उमंग, और मन का हरापन यहाँ खुशियों का, सरसता का और मधुरता का प्रतीक है। जुझारूपन जो कि संघर्षमयी प्रवृत्ति होती है, और अक्खड़पन स्वभाव का मूल गुण। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव से यहाँ लोगों की दिनचर्या में ठहराव सा आ गया है, यानी उनका जो आंतरिक जोश है वो लगभग समाप्त होता नजर आता है, और साथ ही उनके जीवन में जो जोश था, जो उमंग थी, जो उत्साह था, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तथा लोगों के मन में जो खुशियां भरी रहती थी आज लोगों का मन उदास है, निराश है। भोलापन दिल का, कि आदिवासी जो लोग हैं वो बड़े ही मन के भोले और सरल होते हैं, और लेखिका चाहती है कि उनकी ये सरलता और इनका जो भोलापन है वो हमेशा बना रहे। अक्खड़पन, अक्खड़पन यानी यहाँ आदिवासी जो समाज है, मतलब जो यहाँ के लोग हैं उनका स्वभाव अखड़ू है, यानी वे बात बात पर सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, और उनके जुझारूपन अर्थात संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है वो सदैव बनी रहे। यहाँ जो कवयित्री है वो अपने संथाली समाज की जो जोश है, उत्साह है, जो अक्खड़पन है, भोलापन है, संघर्ष की प्रवृत्ति है, उन सबको बचाने की उम्मीद करती है। इन पंक्तियों में कवयित्री का संस्कृति प्रेम उभर कर आया है, प्रतीकात्मक शब्दावली है, भाषा बड़ी ही सरल और प्रभामयी है, और काव्यांश में जो मुक्तक छंद है वो देखने को मिलता है। आगे कवयित्री कहती हैं, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। अब कवयित्री अपने परिवेश को नगरीय संस्कृति से बचाने का आह्वान करती हैं और कहती हैं
कि जो आदिवासी समाज है, जिनके अंदर जोश और उत्साह हमेशा भरा रहता था, जो आज नगरीय संस्कृति के कारण धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो कवयित्री यहाँ चाहती है कि लोगों का आंतरिक जोश, उनके धनुष की डोरी और तीरों का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार जो है उसको बचाना है। और वह कहती है कि हम अपने जंगलों को कटने से बचाएं ताकि ताजी हवा मिलती रहे, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ हमेशा हवा में तरोताजगी रहेगी, परंतु पेड़ पौधों के कटने से हवा की ताजगी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर कवयित्री कहती हैं कि जंगलों को काटने से बचाना है ताकि यहाँ सदैव इस परिवेश में, इस वातावरण में ताजी हवा बहती रहे। नदियों की निर्मलता और नदियों का निर्मल और पवित्र जल, पहाड़ों की शांति, निस्तब्धता और यहाँ के लोक गीतों की अर्थात स्थानीय गीतों की जो मधुरता है वह बनी रहे, उस धुन को, गीतों की धुन को हमें बचाना है। और यहाँ की मिट्टी का जो सोंधापन है तथा यहाँ की जीवनदायिनी लहलाती हुई फसलें, इन सब को हमें बचाना है। आगे कवयित्री कहती हैं, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। अब यहाँ जो कवयित्री हैं वो कहती हैं कि आज आबादी और विकास के कारण जो घर हैं वो सिमटते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। यदि हमें नाचने के लिए खुला आंगन चाहिए तो हमें आबादी पर नियंत्रण रखना होगा, और फिल्मी गानों के प्रभाव से बचाने के लिए अपने जो लोक गीत हैं उनकी धुन को बचाना होगा, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, और जीवन में जो शहरी संस्कृति के कारण तनाव आ गया है उस तनाव को दूर करने के लिए थोड़ी सी हंसी और खिलखिलाहट बचा कर रखनी होगी, तथा रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, कि अपने दुख दर्द और पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए हमें एकांत चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, यानी बच्चों के शारीरिक विकास के लिए हमें खेलने के लिए उनके मैदान जो हैं वो बचाने होंगे, और पशुओं के चरने के लिए हरी भरी घास के मैदानों को बचाना है, और बूढ़ों के लिए जो पहाड़ों की शांति है वो बचा कर रखनी है। अब यहाँ पर जो कवयित्री हैं वो शहरीकरण पर व्यंग्य करती है कि किस तरह से शहरीकरण के कारण आज नाचने के लिए आंगन नहीं है, घर छोटे होते जा रहे हैं, और साथ ही जो शहरी संस्कृति है उसके प्रभाव से आज लोग मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं, तो इन सब से हमें अपने आप को बचाना है। आगे कवयित्री कहती हैं, और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अब कवयित्री कहती हैं कि आज चारों तरफ जो अविश्वास का माहौल बना हुआ है, किसी का भी किसी के ऊपर विश्वास करना बड़ा ही कठिन हो गया है, अतः हमें एक ऐसे माहौल को तैयार करना है कि जिसमें जो विश्वास है या एक उम्मीद है और अपने जो सपने हैं उनको संजो कर रखना है, उन्हें बचा कर रखना है।